हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, आज हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स के इस टॉपिक में हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में देखेंगे, ठीक है। और आज का लेक्चर एकदम बेसिक सा होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग का अपना लेक्चर मोशनल ईएमएफ। ठीक, मोशनल ईएमएफ क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मोशनल ईएमएफ मतलब ईएमएफ दैट इज कॉज ड्यू टू द मोशन ऑफ समथिंग, ठीक है। मतलब किसी चीज़ के मोशन होने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, ठीक। और ये होता कैसे जनरेट? ठीक, तो मोशनल ईएमएफ का जो फंडा है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी रॉड को मूव करते हैं तो उसमें ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है। कैसे होता है देखते हैं। सपोज कर लो कि यह मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ठीक, इस क्रॉस का मतलब पता होगा आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड का यह डायरेक्शन बता रहा है, ठीक। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। क्रॉस का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक रॉड रख देते हैं, ठीक, एल लेंथ का रॉड रख देते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड है, ठीक। ये क्या है? जिसका लेंथ एल है, ठीक, ये रॉड है, दिस इज रॉड। और इस रॉड को कुछ वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक, कुछ इस तरह वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक। यानी कि क्या बोले कि हम लोग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो मूवमेंट की वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, ठीक। चलो, जैसे ही मूव करेंगे तो रॉड में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। रॉड क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक। इसका मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक। तो सपोज कर लो कुछ इंस्टेंट के लिए, ऐसे तो मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं कि एक चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, ठीक। अब इस क्यू चार्ज पे देखते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को वेलोसिटी देखते हैं तो क्या हम लोग पढ़े कि उसमें फोर्स आने लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है, ठीक। अब वो फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? हम लोग जानते हैं क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक। आई होप सबको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक। यह क्या देता है? मैग्नेटिक फोर्स देता है, ठीक। हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो वी क्रॉस बी करेंगे तो इस चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा? वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। भी इधर की तरफ है, क्रॉस अंदर की तरफ, तो आया किधर? ऊपर की तरफ आया, ठीक। यानी वी क्रॉस बी किए तो क्या आया? इस पे फोर्स लगा ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी कि सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ एकुमुलेट हो जाएगा, ठीक। तो नेगेटिव कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे मूव करेगा सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ इंस्टेंट तक ये ऐसे होते रहेगा। अब देखो, एक इधर पॉजिटिव चार्ज और एक इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या सेटअप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। क्या सेटअप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक। और यह चार्ज का मूवमेंट कब तक होते रहेगा, ठीक। और देखो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो फोर्स इस चार्ज पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगने लगेगा, क्यू ई फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। कितना फोर्स लगने लगेगा? क्यू ई फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। अब देखो, अब ऊपर ये कब तक ऐसा होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कब तक होगा? इस रॉड के एंड पे कब तक चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा? जब तक कि इस चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर ना हो जाए, ठीक। यानी FM का मैग्नीट्यूड इक्वल टू FE का मैग्नीट्यूड, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यह दोनों बराबर हो जाएगा तब चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही यह बराबर होगा उस समय इसमें एक भयानक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना मैग्नीट्यूड का सेटअप होता है, ठीक। तो FM थोड़ी देर के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा? क्यू वी बी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्यू इंटू ई, ठीक। तो क्यू से क्यू कैंसिल, यानी ई क्या हो गया? वी बी हो गया, ठीक है। स्केलर फॉर्म में अभी लिख रहे हैं, ठीक है। ई क्या हो गया? वी बी हो गया, ठीक है। अब देखो, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया यह क्या किसके वजह से आया? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल के मोशन मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की मोशन होने की वजह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ठीक। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि जैसे ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, अगर कुछ लेंथ रहा तो उसमें पोटेंशियल भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल होता है कितना है? तो ई बराबर जो हम लोग पोटेंशियल जो होता है, ईएमएफ जिसको बोलते हैं,
ईएमएफ क्या होता है, ई डॉट डीएल यानी ई इंटू एल, ठीक बोल देते हैं, अगर एल लेंथ है तो ई इंटू एल, तो क्या हो जाएगा ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना, वी बी एल, ठीक। यह जो ईएमएफ आया इसी को बोलते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ, क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, ठीक, मोशनल ईएमएफ, ठीक। क्यों जनरेट, क्यों मुझसे मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, कि क्योंकि यह जो ईएमएफ जनरेट हुआ दिस इज ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, ठीक है, इसको मोशनल ईएमएफ ही बोलते हैं, ठीक। अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक, आई होप हो गया होगा, ठीक, इरेज करते हैं, ठीक, थोड़ी देर के लिए समझो, ठीक है। एफ ई कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू इंटू ई, ठीक। यह कब तक एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होगा, जब तक यह दोनों बराबर नहीं हो जाए, यानी क्यू ई वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, कितना हो जाएगा, क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल तो ई वेक्टर क्या आ गया, ई वेक्टर इक्वल टू आ गया वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली दिस इज, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, वी क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आ गया तो ई एम एफ कितना जनरेट होगा, ई एम एफ, ई एम एफ हम लोग जानते हैं क्या होता है, ई डॉट डी एल होता है, ई डॉट डी एल, ठीक, ठीक है, तो E डॉट डी एल, ई कितना है, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, डी एल वैक्टर, सारा वैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज ई एम एफ इन वैक्टर फॉर्म, और दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यह इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ई एम एफ क्या हो गया, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, क्या हो गया, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पर जो डी एल लेते हैं एक्चुअल में, ठीक, चलो इसको समझते हैं, ठीक है, ठीक, थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर बताते हैं आगे, अब इस फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, ठीक। वी क्रॉस बी डॉट डी एल में ई एम एफ कितना है, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ठीक है, यह ई एम एफ आ गया, ठीक। और गाइस इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या है, यह है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक। अब देखो, यह जो डीएल होता है एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको समझेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, इसलिए इसका फुल कोर्स जब होगा तो उसमें हम पूरे डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बहुत तेज़ी से इसको हम लोग निकलते हैं बेसिक को, ठीक है। हम देखो भी, ये डी एल जो होता है ना, डी एल दिस इज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखो गाइज, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में तो रॉड रखा हुआ है, चलो ये भी ठीक है कि रॉड रखा हुआ है, तो ई एम एफ जो होगा, मान लो हम ये रॉड लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक, यह पॉइंट को ए ले लेते हैं, यह पॉइंट को बी ले लेते हैं, ठीक है, और इसको कुछ वेलोसिटी दे देते हैं, तो विच इज हायर पोटेंशियल विच इज लोअर, यह डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन पॉइंट, ये वाला टर्मिनल इन हायर है, ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है, अगर इसका लेंथ एल है तो, ठीक। तो देखो गाइस, तो जो पोलैरिटी का साइन देता है, डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल, क्या देता है, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या देता है, हायर पोटेंशियल देता है, ठीक। चलो हम लिख देते हैं इस बात को, वी क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी गिव्स द, क्या देता है, गिव्स द हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पॉइंट, क्या देता है, हायर पोटेंशियल पॉइंट देता है, ठीक है। यानी कि देखो, वी क्रॉस बी, थंब रूल लगाएंगे, वी, दिस इज वी और अंदर की तरफ बी है, ऐसे अपवर्ड आया, यानी क्या हुआ कि जो ए पॉइंट होगा यह हायर होगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब यह जो पॉइंट है एच पी है और यह जो पॉइंट है एल पी है, लोअर पोटेंशियल है,
ठीक, तो इसका ईएमएफ जो जनरेट होगा, ईएमएफ तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी बी एल, या वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ठीक है, इस तरह लिख देंगे, ठीक ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मोशनल ईएमएफ, ठीक है गाइस। अब देखो इसमें दो तीन केस पढ़ लेते हैं, ठीक, क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है, ठीक, चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, दो तीन केस देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर इफ ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, अगर ट्रिपल प्रोडक्ट का कहानी ये होता है कि अगर इसमें से कोई भी दो पैरेलल हो जाए, एनी टू वेक्टर पैरेलल हो जाए, देन इट बिकम जीरो, क्या रिजल्टेंट आ जाता है, उसका जीरो हो जाता है, ठीक, कोई भी दो जीरो हो जाए, आइदर वी भी जीरो हो जाए, बी डी एल जीरो हो जाए, या वी डी एल जीरो हो जाए, ठीक है, कोई दो जीरो हो जाए तो सॉरी पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं पहला कि अगर ये वी वेक्टर पैरेलल टू वी वेक्टर होगा, दिस इंप्लाई व्हाट, ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये केस हो गया। दूसरा फर्स्ट, दूसरा कि अगर इफ वी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर दिस इंप्लाई व्हाट, ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा, इस केस में भी ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इफ बी डॉट बी इज पैरेलल टू डीएल, तो इस केस में भी ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी दो पैरेलल हो जाए, ठीक, क्या कंक्लूजन निकला, इफ एनी टू आर पैरेलल, इफ एनी टू आर पैरेलल, क्या बोले, इफ एनी टू आर पैरेलल देन ईएमएफ बिकेम जीरो, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक और तरीका से फ्लक्स मेथड से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक से इंट्रोडक्शन जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक, कैसे हम लोग करते हैं, ठीक। चलो देखो, थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो, फ्लक्स मेथड से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, फ्लक्स मेथड से, क्योंकि ईएमएफ हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ के अनुसार जो ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें, वी आर कंसीडरिंग ऑलिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखो थोड़ी देर के लिए समझो, ये रॉड है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझो, ठीक, इसका लेंथ एल है, सपोज करो कि यह रॉड, ठीक है, यह रॉड डी टी टाइम में डी एक्स डिस्टेंस को कवर कर लिया, क्या कर लिया, इन डी टी टाइम इट कवर डी एक्स डिस्टेंस, डी एक्स, यानी कि सपोज करो इतना दूर कवर कर लिया और रॉड यहां पे चलाया, ठीक है। चलो फिर दूसरे पेन से देख लेते हैं, कहां पे चलाया, यहां पे चलाया, ठीक है, कितना समय में आया, dt से, अभी भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का केस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी का भी केस डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल के साथ, ठीक। अब देखो, अब जो है ये डिस्टेंस कितना है, dx, ठीक, तो कितना एरिया, कितना कवर किया, एरिया कितना कवर किया, ये वाला एरिया dx into l, तो da अगर निकाले, da एरिया कवर्ड, da तो क्या आ जाएगा, l dx, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई, इनिशियली यहां था अब यहां आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो था, तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, बी डॉट जी, मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लो बी है, तो बी डॉट डी ए कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो बी डी ए कितना हो जाएगा, बी एल डी एक्स, तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ डेल्टा फाई बाई डी टी, यानी डी फाई बाई डी टी, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वी आर कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी भी कॉन्स्टेंट है, एल भी कॉन्स्टेंट है, और डी एक्स बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यह क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, व्हाट, डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, तो यहां से भी क्या आ गया, बी एल वी, यानी ई एम एफ क्या आया मेरा, बी एल वी, बी वी एल, दिस इज द ई एम एफ, ठीक है, तो ये हो गया मोशनल ई एम एफ, ठीक। तो आइदर हम लोग फोर्स मेथड से प्रूफ कर ले या फ्लक्स मेथड से प्रूफ कर ले, ठीक,
आवर रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, अब देखो, अब बेसिक से एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ईएमएफ कितना इस रॉड में जनरेट होगा, दिस इज रॉड। ठीक है, और ये रॉड इस डायरेक्शन में 37 डिग्री एंगल से मूव कर रहा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द पोलैरिटी विच इज हायर और विच इज लोअर, कि हायर पोटेंशियल पे कौन है और लोअर पोटेंशियल पर कौन है। तो कौन देगा, वी क्रॉस वी। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ वी क्रॉस बी डॉट बी एल, यही होता है। अब देखो, वी क्रॉस बी करेंगे इधर की तरफ आएगा, दिस गिव द वी क्रॉस बी। ठीक है, और वी क्रॉस बी कितना होगा, वी बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, एंगल। ठीक, तो यह इधर आ गया। ठीक, और यह कितना डिग्री होगा, 53 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यह वी क्रॉस बी किया तो इधर आया, इसका मतलब हायर पोटेंशियल पर कौन चला गया, बी चला गया, दिस इज ऑन एच पी और दिस इज ऑन एल पी। ठीक, यह एच पी हो गया और यह एल पी हो गया। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वी बी एल कॉस थीटा, यानी कॉस 53 डिग्री। एंगल कितना हो गया, एल वेक्टर्स एंगल कितना है, ये दिस एंगल 53, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 वी बी एल, और यही हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ई एम एफ निकालते हैं, ठीक है, रॉड के क्रॉस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक, इक्विवेलेंट सर्किट का कंसेप्ट, विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, देखो भाई, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, इसमें एक सेमी सर्कुलर, ठीक है, रिंग रॉड सेमी सर्कुलर शेप का रॉड जिसका रेडियस है आर। ठीक, ये ऐसे इस वैल्यू से एकदम परपेंडिकुलर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस रॉड के इंड के क्रॉस ए और बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड, इंड ऑफ द रॉड। ठीक, तो देखो गाइस, हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं ईएमएफ में, वी क्रॉस बी डॉट डी एल में जो फार्मूला लिखते हैं, यह जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यह डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो कहाँ, यहाँ से यहाँ है, ये होगा कितना जाएगा, 2R। अब देखो, वी क्रॉस बी करेंगे, वी क्रॉस बी करेंगे तो कौन सा पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, वी क्रॉस बी किए तो इधर आ गया। ठीक है, इसके तरफ आया, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए हायर पोटेंशियल, क्या होगा, एच पी होगा, और यह क्या होगा, एल पी होगा, हायर पोटेंशियल और यह लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट अब फार्मूला लिख देते हैं, ई एम एफ क्या हो जाएगा, ई एम एफ, ई एम एफ यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू बी वी एल, बी बी वी एल कितना हो जाएगा, 2R, तो कितना होगा, 2R बी वी, यह ई एम एफ पोटेंशियल अक्रॉस द रॉड आ गया। अब देखो भाई, इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे रिंग को हम लोग एक सर्किट से, यानी एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यह पॉइंट ए या पॉइंट बी, जिसका ई एम एफ कितना होता है, इतना होगा। ठीक है, यह इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस इक्विवेलेंट सर्किट पर ही केस देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। ठीक, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटेटिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटेटिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेट कर रहे हैं, रॉड रोटेटिंग रॉड का मैग्नेटिक फील्ड में इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि यह रॉड मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज एक बेसिक सा, ठीक है, ठीक, एक रॉड है जिसका ए लेंथ है, ठीक है, और यह रॉड मूव कर रहा है भीग से, ठीक, इसका लेंथ एल ले रखा है। ठीक है, तो इस रॉड को हम लोग एक सिंपली देख लेंगे, पोलैरिटी चेक कर लेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी,
तो भी क्रॉस बी क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी भी क्रॉस बी किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, यानी यह पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, और यह पॉइंट क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो सिंपली जिधर हायर है उधर बैटरी का हायर पॉइंट रख देना है और इधर लोअर पॉइंट रख देना है। ए, यह पॉइंट ए रहा और यह पॉइंट बी रहा, और इसका ईएमएफ मोशनल ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, होगा कितना, बी वी एल, सिंपल बी वी एल सिंपल हो जाएगा। तो यह इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट केस में हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं, ठीक है। चलो सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। क्वेश्चन में रियल प्रॉब्लम करके आता है, ठीक है। हम लोग पहले देख लेते हैं रियल, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सिचुएशन क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, सिचुएशन, ठीक है। और इधर हो जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट, सर्किट देख लेते हैं क्या क्या इक्विवेलेंट सर्किट हो सकते हैं, ठीक। तो देखो पहला, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। हम एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यह एक ईएमएफ रेसिस्टेंस है, ठीक, इसको रेल बोलते हैं, रेल। यह इसके रेल के एंड में इनफाइनाइट रेल है, बहुत लंबा रेल है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है एल है, सपोज कर लो इसके बीच का डिस्टेंस है एल है, ठीक। और एक रॉड है, ठीक है, क्या है, एक रॉड है जो भी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यह मानते हैं कि जो रेल का, जब तक क्वेश्चन में गिवेन ना हो कि रेल का कोई रेसिस्टेंस हो, तब तक हम लोग उसका रेसिस्टेंस क्या करते हैं, निग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक। यह मानते हैं कि उसका रेसिस्टेंस क्या है, जीरो है, है ही नहीं, ठीक है। अब देखो, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, एक सिंपल जो रेसिस्टेंस है आर, जो आर है तो आर रख देंगे, ठीक। अब देखो, यह पॉइंट अगर हम लोग ए लेते हैं और यह पॉइंट बी लेते हैं, ठीक, तो भी क्रॉस बी करेंगे तो हायर पोटेंशियल पे आएगा, यानी कि अगर यह पॉइंट मेरा ए रहा और यह पॉइंट बी रहा तो हायर पोटेंशियल क्या आएगा, भी क्रॉस बी, यानी पोल बैटरी का जो साइन हुआ किधर की तरफ होगा, ए की तरफ, यानी इसको हम लोग ऐसे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, और इसका ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, बी वी एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट केस, ठीक। अब सेकेंड केस देखते हैं, इसी में हम लोग सेकेंड केस देखते हैं, केस सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वही अपना मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी हम लोग यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें एक रेल है, अब क्या है, रेल के दोनों एंड पर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, आर वन और इधर भी आर टू, और ये जो रड दे रखा है, सपोज कर लो इस रड का भी कुछ रेसिस्टेंस है, क्या है, इस रड का भी कुछ आर रेसिस्टेंस है, ठीक। और ये इस तरह से मूव कर रहा है बी मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखो गाइस, इसका हम लोग कैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक, कंसेप्ट वही है, ठीक है। पहले सिंपली क्या करेंगे, ठीक, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है एज इट इज बना देंगे, आर वन आर टू, ठीक है, क्या क्या, सिंपली आर वन आर टू बना देंगे। अब देखो भी क्रॉस बी, अगर यह पॉइंट ए देंगे और यह पॉइंट बी देंगे तो ये भी क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर, यानी यह पॉइंट एच पी हो जाएगा और यह पॉइंट एल पी हो जाएगा, है ना, ठीक, लोअर पोटेंशियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक। यानी कि हम लोग एक बैटरी बीच में लगा देते हैं, इसका पोलैरिटी क्या है, ऊपर की तरफ, और यह जो रेसिस्टेंस आर है यहाँ लगा देते हैं, और इस बैटरी का ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा बी वी एल, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये दिस इज द सेकेंड केस, ठीक। और देखो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक। अब मान लो थोड़ा देर के लिए कि कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझो, यह मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, सो मेनी, ठीक, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में यह रेल रखा हुआ है, ठीक। अब एक नहीं, इसमें दो दो रॉड मूव कर रहा होगा, ठीक है, क्या है, एक नहीं दो दो रॉड मूव कर रहा होगा, एक रॉड मान लो भी वन से मूव कर रहा है इधर, और एक रॉड भी टू से मूव कर रहा है, ठीक, इधर, ठीक, भी टू से मूव कर रहा है, ठीक है।
और क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है कि इसका रेसिस्टेंस मान लो दोनों का रेसिस्टेंस रॉड का आर आर है, सपोज कर लो आर आर है, ठीक, गिवेन होगा, ठीक है, आर आर है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे। तो देखो गाइस कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जो हम बनाए थे वैसे ही सर्किट बनाएंगे, ठीक। पहले आर आर वन आर टू, ये रहा आर टू, ये रहा आर वन, ठीक। अब देखो इसके लिए देखेंगे तो वी क्रॉस वी, यह पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, तो इधर एक ईएमएफ हायर पोटेंशियल पे लगा देंगे और आर रेसिस्टेंस लगा देंगे, इसको ई वन ले लो। इसके देखो वी क्रॉस वी करेंगे तो नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ लगा देंगे, ठीक है, और ई टू ले लो। ई वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी बी वी वन एल, ई टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी वी टू एल, ठीक है। और इस सर्किट को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, ठीक, अगर करंट पूछेगा तो करंट निकाल लेंगे, मतलब जो भी पूछेगा उसको हम लोग इजिली सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो और भी क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, कंडीशन बहुत सारा केस डेवलप हो सकता है, ठीक है। जैसे देखते हैं, फोर्थ कंडीशन, चलो पहले हम बना देते हैं उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। ये रॉड है, ठीक है, बी वेलोसिटी, ये पूरा सेटअप जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, बी बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, बी जिसका स्ट्रेंथ कितना है, बी, ठीक है। ये कैपेसिटेंस है, इस रॉड का रेसिस्टेंस आर है, ठीक। यहाँ इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इस पर चार्ज भी पूछ सकता है, इसके थ्रू करंट भी पूछ सकता है ना, इंडक्टर भी हो सकता है, उसके थ्रू करंट भी पूछ सकता है, यानी बेसिक हम लोग आरसी सर्किट भी इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं, आरएल सर्किट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट बनाए तो क्या होगा, दिस इज ईएमएफ एसी और दिस इज आर। क्यों हम लोग ऊपर पोलैरिटी लिए, ठीक है, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल ऊपर लिए, क्योंकि वी क्रॉस वी यह पॉइंट क्या होगा, हाई एचपी पे होगा, और यह पॉइंट क्या होगा, एलपी पे होगा, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ऊपर की तरफ लिए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी रॉड प्रॉब्लम को, रियल प्रॉब्लम को इसको बोलते हैं, ठीक, किसी भी रियल प्रॉब्लम को हम लोग अगर सर्किट सॉल्व बनाने आता है, सिंपल सर्किट बनाने आता है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने आता है, तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, ठीक। आज के यह जो लेक्चर था पूरा बेसिक था, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो थैंक यू।